मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम स्किल बेस्ड एक्टिविटीज को देख रहे थे, अर्थात की कौशल आधारित क्रियाएं, जिसमें आज हम देखेंगे बोलने की कौशल आधारित क्रियाएं जो कक्षा कक्ष में एक शिक्षक संपन्न करा सकता है। तो पहला है चित्र का प्रयोग। चित्र का प्रयोग भाषा शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसके द्वारा शिक्षक बोलने की कौशलता को विकसित कर सकता है। इसके माध्यम से छात्रों को शिक्षक तरह तरह के चित्र दिखाता है और उसपे संबंधित उसके विचारों को, उसके भाव को लेता है, जिससे कि भाषा उसे बोलते हैं, जिससे कि बालक उसे बोलते हैं और उनका भाषिक कौशलता का विकास होता है, वो कौशलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है कहानी रचना। कहानी रचना भी भाषा शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कहानी रचना के द्वारा शिक्षक छात्रों को तरह तरह की कहानियां सुनाता है, जिसपे वह छात्रों से तरह तरह के प्रश्न भी करता है और बच्चे उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, जिससे उनकी बोलने की कौशलता का विकास होता है। वह अपने ज्ञान स्तर तथा भाषिक स्तर के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कभी कभी शिक्षक छात्रों को कक्षा के केंद्र में आकर भी कहानी सुनाने बोलता है, जिससे बच्चे नए नए कहानियां गढ़कर सुनाते हैं और उनका भाषिक विकास होता है। वो वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को बनाते हैं, स्मृति और कल्पना करते हैं, जिससे कि उन्हें भाषिक कौशलता प्राप्त होती है। अभिनय, यह एक बहुत रोचक विधि है। अभिनय विधि में शिक्षक जब किसी तत्व को पढ़ाता है, जैसे कि मान लीजिए वह फलों का नाम पढ़ा रहा है कक्षा कक्ष में, तो वह सभी बच्चों को एक एक पात्र दे देता है कि आप सेब हैं, आप केला हैं, आप संतरा हैं, और बच्चे उन पात्रों को लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनमें रुचि आती है और उस पात्रों के आधार पर वह उसकी विशेषता बताते हैं, जिससे कि उनमें बोलने का विकास होता है, बोलने की कौशलता वो प्राप्त करते हैं। चौथा है वाद विवाद। वाद विवाद का प्रयोग ज्यादातर उच्च कक्षाओं में किया जाता है, जिसमें शिक्षक किसी विषय बिंदु को देकर छात्रों से दो ग्रुप में बांट देता है और आपस में चर्चा और परिचर्चा करवाता है, जिससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। वह एक अच्छे वक्ता बनते हैं, वह नए नए शब्दों का चयन करते हैं और लंबे समय तक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। लंबे समय तक भाषिक लय, भाषिक उतार चढ़ाव के साथ, भाव के साथ वो बोलना सीखते हैं। तो आज हमने देखा बोलने की कौशलता पर आधारित कक्षा कक्ष में क्या क्या क्रियाएं कौशलता के विकास के लिए की जा सकती है। अगले कक्षा में हम लेखन कौशल से संबंधित क्रियाओं पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।